मैं वीरस लिखता हूँ, मैं वीरस पढ़ूंगा। तो चार पंक्तियां से स्टार्ट करता हूं कि अगर वो खत लिखते प्रेम का, कि अगर वो खत लिखते प्रेम का तो कोई क्रांतिकारी नहीं होते, अगर वो खत लिखते प्रेम का तो कोई क्रांतिकारी नहीं होते, अगर युद्ध प्रेम से ही टल जाता तो फिर हथियार उठाए नहीं होते, और राजघाट के बापू 100 थप्पड़ के बदले 1 थप्पड़ तो मारे होते, क्या पता भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी झूले नहीं होते। आज एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ, नाम चंद्रशेखर आजाद के ऊपर है। तो पढ़ने से पहले चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि कंकड़ पत्थर गली चौराहे सबको रोते देखा है, कि कंकड़ पत्थर गली चौराहे सबको रोते देखा है, वतन हो महबूब मेरा इस लाल को कहते देखा है, और माँ मुझको तू गले लगा ले ये सांस कहीं ना थम जाए, तूने मुझको जन्म दिया ये जन्म व्यर्थ ना हो जाए। और पढ़ता हूँ कि आंखों में आंसू लेकर मैं गीत सुनाने आया हूँ, आंखों में आंसू लेकर मैं गीत सुनाने आया हूँ, आजादी के महाबली की कथा सुनाने आया हूँ, चंद्रशेखर की यादों में मैं हरदम खोया रहता हूँ, जिस माँ ने उनको जन्म दिया उस माँ को शीश झुकाता हूँ। प्रथम सांस जब ली थी उसने एक छोटी सी कुटिया में, कि प्रथम सांस जब ली थी उसने एक छोटी सी कुटिया में, मध्य प्रदेश के भावर गांव में एक ब्राह्मण की कुटिया में, बचपन में खेला था उसने तीर और तलवारों से, धरती को माता कहता था अपने हर एक नारों में, और खुद का नाम आजाद बताया, पता जेल बताया था, पिता का नाम स्वतंत्र बताया, फिर देश स्वतंत्र बनाया था, अब मौत से आंखें मिलाकर फिर मौत को ही ललकारा था, 15 वर्ष की उम्र में दुश्मन पर कहर बरसाया था। 15 वर्ष की उम्र में दुश्मन पर कहर बरसाया था, और कहती है चट्टाने इस माटी में उसने खेला है, कि कहती है चट्टाने इस माटी में उसने खेला है, लाल रक्त बहाकर फिर लगाया उसने मेला है, और चट्टानों की छाती पर चढ़कर हुंकार भरा था जी, चट्टानों की छाती पर चढ़कर हुंकार भरा था जी, आजादी की लड़ाई में एक फौलादी कूद पड़ा था जी, आजादी की लड़ाई में एक फौलादी कूद पड़ा था जी। और यहां से सुनना कि मेड़ पूछते डगर पूछते पूछे हर इंसान यहां, कि मेड़ पूछते डगर पूछते पूछे हर इंसान यहां, आजाद कहां आजाद कहां बस पूछे हर इंसान यहां, कि मेड़ पूछते डगर पूछते पूछे हर इंसान यहां, आजाद कहां बस पूछे हर इंसान यहां, अब कंधों पर सौर था जिसके वो देशभक्त महान कहां, हृदय फट जाता है मेरा जब कोई कहता है गद्दार यहां, हृदय फट जाता है मेरा जब कोई कहता है गद्दार यहाँ। और लास्ट है कि इसका, कि नारों में बस गाते रहिए आजाद हिंद हमारा है, कि नारों में बस गाते रहिए आजाद हिंद हमारा है, आजाद हिंद हमारा है या आजाद भी हमारा है, आजाद हिंद हमारा है या आजाद भी हमारा है, और कफन गुलामी का ओढ़ कर स्वप्न उज्ज्वल तुम ना देखो, कफन गुलामी का ओढ़ कर स्वप्न उज्ज्वल तुम ना देखो, आजादी जीवित रखनी है तो आजाद को तुम ना भूलो। सुनना कि चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुछ लड़कों के लिए लिखा था, कहता हूं कि ये लड़के जो तुम्हें पागल आवारा लगते हैं, ये लड़के जो तुम्हें पागल आवारा लगते हैं, ये वही लड़के हैं जो सरहद पर सीना तान के लड़ते हैं। और सुनना कि अगर सभी पंकज के समान कोमल होंगे, अगर सभी पंकज के समान कोमल होंगे तो बताओ कौन कृपाण धनुष उठाएगा, अगर सभी कौरव की तरह निर्लज और लज्जाहीन होंगे तो बताओ कौन स्त्रियों के सम्मान को बचाएगा, कौन बनेगा राम कौन अपने माता पिता के वचनों को निभाएगा, कौन बनेगा भरत कौन अपने भाई के इंतजार में 14 वर्ष बिताएगा, कौन माधव वन पार्थिव के रथ को खींचेगा, कौन माधव वन गोपियों के बीच में बांसुरी फूकेगा, कौन माधव वन पार्थिव के रथ को खींचेगा, कौन क्रूर और अत्याचारियों का नाश करेगा, कौन परशुराम बनकर पापियों का सर्वनाश करेगा। साहब की सदैव अहंकार और घृणा के संगम से संतोष नहीं मिलता, कि सदैव अहंकार और घृणा के संगम से संतोष नहीं मिलता, कुछ ऋण चुकाने से कुछ ऋण भूल जाने से संतोष नहीं मिलता, जिस दिन मातृभूमि का मात्र एक अंश का ऋण चुका दोगे, जिस दिन मातृभूमि का मात्र एक अंश का ऋण चुका दोगे उस दिन पता चलेगा मातृभूमि का ऋण चुकाने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता।